व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब टैक्स के बारे में। किसी भी यूट्यूब क्रिएटर के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या ओवरऑल चैनल को ग्रो करने के लिए। कहीं यहाँ पर यूट्यूब टैक्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी वीडियो को किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से सर्च किया जा सकता है, वही यहाँ पर टैग्स है, कीवर्ड्स हैं, दोनों ही एक ही चीज़ है गाइस। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, आप अपनी वीडियोस पे अच्छे टैग्स यूज़ करें, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएँ, आपका चैनल ग्रो करें। ऑलराइट, तो गाइस अच्छे टैग्स अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अच्छे टैग्स अगर आप यूज़ करें तो आपकी वीडियो यहाँ पर सर्च लिस्ट में आएगी, रैंक करेगी, उस पर व्यूज़ आएंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा। वहीं गाइस अच्छे टैग्स यूज़ करने से जो हो सकता है वीडियो आपके किसी और की वीडियो में भी सजेशन में भी आ जाए, इससे भी आपकी वीडियोस पर व्यू बढ़ेंगे। और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो वॉच कर रहा है या फिर कुछ टाइम बाद देखता है, फिर से यूट्यूब उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के जो इंप्रेशन आपकी वीडियो को उसको देगा, उस व्यूअर्स को देगा, जिससे वो आपकी वीडियो देखेगा, ऐसे में उस पर व्यूज़ आएंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा। तो ऐसे में गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वीडियोज़ पर प्रॉपर टैग्स लगाएं, जो जिनकी ज़रूरत है वो एक्चुअल में लगाने की, जो आपको लगाने चाहिए। और गाइस बेस्ट तरीका मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया, आपको शायद अगर नोटिस किया हो। गाइस किसी भी वीडियो को किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च किया जा सकता है, वही यहाँ पर यूट्यूब टैग्स और कीवर्ड्स हैं आपकी वीडियोस के लिए। बेस्ट तरीका यही है, आपने अपने आप से पूछना है। ऑलराइट, एग्जांपल के लिए जैसे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं, सपोज करो आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे में किस किस तरीके से इनको सर्च किया जा सकता है, कितने लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको सर्च करेंगे। पहले तो गाइस सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर कैसे बढ़ाएं और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, या फिर इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाएं, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाएं 2021, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जितने भी तरीके से जो सर्च किया जा सकता है वो सारे के सारे यहाँ पर टैग्स होंगे। आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर जो टैग ऐड कर देने, सपोज करो यहाँ पर आप किसी चीज़ का ट्यूटोरियल बनाते हैं या फिर मोबाइल रिपेयर करना सिखाते हैं कि मोबाइल फ़ोन घर पर रिपेयर कैसे करें, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, तो गाइस ऐसे में लोग आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयर कैसे करें, मोबाइल फ़ोन को घर पर रिपेयर कैसे करें, मोबाइल फ़ोन को ओपन कैसे करें, या फिर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो सर्च किया जा सकता है आपने उसे ही सोचना। ऐसे में गाइस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी टैग सर्च करने की, कहीं पर भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस ऐसे में कहेंगे गाइस कुछ टैग्स जो होते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, वो शो करते हैं कि मेरे इस टैग से उस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, सर्च लिस्ट में मेरी वीडियो इस वजह से आ रही है। ऐसे में गाइस आप सेम टॉपिक पे अगर वीडियो बनाते हैं, आप सेम टैग्स अगर अपने वीडियो में ऐड करते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी टैग से जो आपकी उस वीडियो पे व्यूज़ आ जाएं, वो अलग अलग क्रिएटर के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर टैग्स काम करते हैं। ऐसे में आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारे टैग्स ऐड करते हैं जितने तरीके से आप उस वीडियो को सर्च किया जा सकता है या कितने तरीके से कोई उस वीडियो को सर्च करने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में बताने वाला था एक बेस्ट तरीका, जेन्युइन तरीका, जो यूट्यूब यहाँ पर खुद रिकमेंड करता है, किस तरह से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या किसी पर्टिकुलर वीडियो को लोग बाग सर्च करते हैं, 100% जेन्युइन और वर्किंग भी है और काफ़ी अच्छा तरीका है, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, जस्ट फ्री है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ऑलराइट, इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है और वहाँ पर जो यूट्यूब ऐप ओपन कर लेना है। ऑलराइट, यहाँ पर यूट्यूब ऐप ओपन हमने कर लिया और ऊपर जाएंगे सर्च बार में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं। ऑलराइट, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के जस्ट बाद हमने स्पेस दिया तो काफ़ी सारे यहाँ पर टैग्स दिखा रहा है, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कैसे के बाद स्पेस दिया तो गाइस काफ़ी सारे टैग्स यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाने लगा, बहुत सारे टैग्स हैं, ये सब टैग्स आपको अपनी उस वीडियो में ऐड करने हैं। इस ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्च करना है। ऑलराइट, यहाँ कैसे के बाद जस्ट स्पेस देने पे कितने सारे टैग्स दिखा रहा, ऑलमोस्ट ये 7-8 टैग्स हैं यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं, जो यूट्यूब खुद यहाँ पर हमें सजेशन दे रहा है। ऑलराइट, जैसे हमने कैसे बढ़ाई लिखा, बढ़ाई के बाद भी गाइस देखो स्पेस देने के बाद कितने सारी चीज़ें और बता रहा है, ये सब टैग्स भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग है, जो चीज़ें आपने वीडियो में अपने बताई है। गाइस ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से अगर आप टैग डालते हैं ना, डेफिनेटली आपकी वीडियोस जो सर्च लिस्ट में आएगी, रैंक करेगी, या फिर यूट्यूब खुद उस वीडियो का इंप्रेशन देगा, अगर कंटेंट आपने अच्छा बनाया और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने उस वीडियो में बात करी है। तो गाइस ये बेस्ट तरीका है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट सभी जितने भी क्रिएटर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सभी इसी तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि यूट्यूब यहाँ पर खुद बता रहा है किस तरीके से यार लोग बाग यहाँ पर सर्च करें। जैसे हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में गए, यहाँ पर खुद सर्च कर रहे थे, यूट्यूब हमें खुद सजेस्ट कर रहा था तुम क्या सर्च करना चाह रहे हो। ऐसे में मोस्टली लोग इस तरह से ही सर्च करते हैं तो वहाँ पर सजेशन आ जाता है, तो ऐसे में उनको ऑलरेडी वहाँ पर पूरा टाइप नहीं करना पड़ता, वो उस पर ही क्लिक कर देते हैं। ऐसे में इस तरह से सर्च करके आप जो
टाइटल रखेंगे और इस तरह के टैग्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस रैंक करेगी, उस पर व्यूज़ आएंगे, सर्च लिस्ट में आएगी, दूसरी वीडियो को सजेशन में आएगी और नॉर्मली भी यूट्यूब इंप्रेशन देगा आपकी उस वीडियो का अगर कोई उस तरह की वीडियो अगर देखता है। तो गाइस यहाँ पर टैग्स और कीवर्ड्स को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं, काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान तरीका है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से सर्च किया जा सकता है, बस वही यहाँ पर टैग्स हैं। बस आपने ध्यान रखना किस तरीके से आपने टैग्स डालने, लाइक आप यहाँ पर इसे हिंदी में भी डालेंगे और इंग्लिश में भी डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपने टैग ऐड कर देने हैं। ऑलराइट, सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आएगा यूट्यूब टैग्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, दोनों एक ही चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कीवर्ड रिसर्च करके टैग डालने हैं, टैग अच्छे डालने हैं ताकि आपकी वीडियो रैंक करे, थोड़ा टाइम आपने इस पे भी स्पेंड करना है। कंटेंट की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए, बट टैग्स भी ऐसे मैम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ लाने के लिए। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपने आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी, हेल्पफुल होगी तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।